Hello everyone, today we are going to start with your transport chapter previous year question plus specimen paper. So अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करते हो, आपके पास उस चैप्टर के हिसाब से यानी कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको ज्यादा लंबा वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं क्वेश्चन के लिए और अलग से वीडियो है फॉर योर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन और दोनों ही वीडियो काफी शॉर्ट है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ अगर इस वीडियो का आपको सॉल्यूशन चाहिए यानी कि इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का, देखो आप क्वेश्चन इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 5 साल के क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ स्पेसिमेन पेपर भी मिल जाएगा आपको ट्रांसपोर्ट चैप्टर से अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करो ही, साथ साथ इस वीडियो के 30 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करो। यानी कि जैसे ही आप 30 लाइक्स इस वीडियो में कर देते हो यानी कि जैसे ही इसमें 30 लाइक्स आपको मिल जाते हैं वैसे ही आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फॉर्म मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी दिक्कत होता है जल्दी से कमेंट करके बता देना और चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्पेसिमेन पेपर से, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटरवेज। वाटरवेज के आपको दो एडवांटेजेस बताने हैं, 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्या बताओगे, फर्स्ट ये बताओगे कि ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट है और दूसरा क्या बताओगे कि इसके मदद से यानी कि इट इज मोस्ट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। 2 पॉइंट्स आर डन फॉर दिस क्वेश्चन, फाइन। वाटरवेज का 2 पॉइंट हो गया, एक तो चीप है एंड देन यू कैन इजिली ट्रांसपोर्ट हैवी एंड बल्की गुड्स टू ग्रेटर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज। Talking about the differences between highway and between the national highway and the state highway. So this is one point which I have mentioned here. ये वाला आपके national highway के लिए and this one is for your state highway. What is this? This is the speed limit for these highways. The speed limit for national highway is 80 to 100, ठीक है? और for your state highway it is 60 to 80. So just remember this. और एक और point जो आपको याद रखना है. National highway is maintained and constructed by the central government. Obviously, center इसको govern करेगी और state highway को state. So state highway का state से याद रखना, इसको state government construct और इसको maintain करेगी, ठीक है? इसके जो भी maintenance का काम है वो state government के हवाले है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं next question की तरफ. Next question क्या है? You need to write the 3 benefits of golden quadrilateral. So golden quadrilateral का आपको 3 points बताना है. सबसे पहले आप क्या पॉइंट बता सकते हो, आप ये पॉइंट बता सकते हो कि ये हाईवे क्या करता है, इंटर कनेक्ट करता है बहुत सारे सिटीज और पोर्ट्स को, ठीक है? बहुत सारे सिटीज और पोर्ट्स को कनेक्ट करता है, पोर्ट्स, P-O-R-T-S, पोर्ट्स का स्पेलिंग तो आपको याद होगा, ठीक है? पोर्ट्स, एयरपोर्ट, ओके, एयरपोर्ट, ओके, वहां से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, आई मीन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफी ज्यादा एक्सेलरेशन या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को काफी ज्यादा ये बूस्ट अप करता है, ठीक है? क्योंकि रोड है, स्मॉल स्मॉल टाउन्स को कनेक्ट कर देता है तो उसके मदद से आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है एंड देन ये काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास लेकर आता है, क्या चीज के लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ठीक है? ये क्लियर है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, कैसे, किस लिए? ताकि आप आसानी से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कि जो भी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर के द्वारा, खेती बाड़ी के द्वारा, उसको भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इन हाईवेज के थ्रू, ठीक है? यानी कि एक कनेक्शन है, लिंक है, कनेक्ट करता है। बात करें अब 3 disadvantages की एयर ट्रांसपोर्ट का, तो सबसे पहले इट इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है? इसमें आप हैवी और बल्की गुड्स नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? हैवी बल्की नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और लास्ट क्या है, इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है? लेट मी राइट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, ठीक है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें ये दिस इज द मतलब इसमें आप हैवी गुड्स नहीं लेकर जा सकते, ओके? सो इट्स नॉट सूटेबल फॉर हैवी गुड्स, फाइन। और एक और पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें ओके, सो इसमें एक्सीडेंट्स की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, सो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स
मोर, ठीक है, एक्सीडेंट की चांसेस बहुत ज्यादा होती है इसमें. तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हो फॉर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में कवर की है, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, वो वीडियो भी देख कर भी एग्जाम में बैठ सकते हो. और अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, रिविजन के लिए बहुत अच्छा है. अब नेक्स्ट बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो सबसे पहले हमारे पास 2020 का क्वेश्चन आ जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इवन दो ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डेवलप्ड इन इंडिया, येट रोड ट्रांसपोर्ट रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट, यू नीड टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे दो एडवांटेजेस लिखनी है रोड ट्रांसपोर्ट की, कोई भी दो, क्योंकि दो मार्क्स का है तो दो ही लिखना है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना कितना लंबा चौड़ा लाइन है तो इसमें क्या लिखे, बस कोई भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो. सबसे पहली बात, इसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट लगता है. ठीक है, इट नीड्स लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आपको डोर टू डोर सर्विसेस प्रोवाइड करती है. हो गया दो पॉइंट खत्म. और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए भी ये काफी प्रेफरेबल है. नेक्स्ट बात करें गिव रीजंस की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, रोडवेज इज नॉट वेल डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अब देखो ये वाला पूरी तरीके से आपके सिलेबस में नहीं है, बट येस वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन. मैं आपको बस शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि ये वाली जो जगह है ना, ये कौन सी जगह है, ये माउंटेनियस या फिर हिली एरियाज है, तो वहां पे रोड उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो सकते. ठीक है, समझ रहे हो ना, जहाँ पे हिल्स है, हिल्स के बीच में रोड लाना काफी मुश्किल होता है. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा अच्छी तरीके से पॉसिबल नहीं है, यानी कि वहां पर भी रोड होना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेलवेज आर अंडर द पब्लिक सेक्टर. क्यों? क्योंकि इसको कौन, इसको किसने बनाया, किसने सेटअप किया, किसके अंडर में है ये, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर है. ठीक है, भारत सरकार के अंडर है, इसलिए ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी पब्लिक सेक्टर है. ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन काफी बूस्टअप हो जाता है. ठीक है, अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है आपके पास, तो इससे इंडस्ट्रीज को अच्छे से और जल्दी गुड्स मिलेगा. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जो गुड्स है, गुड्स का, रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से हो जाता है. और दूसरा पॉइंट कि इससे मार्केट भी बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि हर जगह आपको चीजें, गुड्स आसानी से मिल सकती है. सो लेट मी राइट, इससे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रीज को क्या मिलती है. देखो इंडस्ट्रीज से याद रखना, मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने बस इंडस्ट्रीज लिखा है. इंडस्ट्रीज को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलता है. ठीक है, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जल्दी, फास्ट, जल्दी से मिल जाता है. ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कर लेना अपने लैंग्वेज में. ओके, रॉ मटेरियल जल्दी यानी कि फास्ट मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इससे मार्केट्स काफी एक्सपैंड हो जाते हैं. मार्केट्स गेट एक्सपैंड और व्हाटएवर, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स एक्सपैंडेड. ऑलराइट, These are the points which you need to remember for this. Next question की बात करें, तो हमें disadvantages की बात करनी है airways की. सबसे important point क्या है कि ये बहुत ज्यादा costly है. Next point, इसमें आप heavy goods नहीं ले जा सकते, इसमें आपको light goods ही ले जाने होंगे. ठीक है, और यहाँ पे एक word लिखा रहता है आपके book में, FRIGHTS, freights. What is the meaning of freights? जो goods होता है ना, उसे हम freights कहते हैं. ठीक है, जैसे मालगाड़ी में जो गुड्स जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्राइट. ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द विद रेफरेंस टू वॉटरवेज यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द टू एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट में लिखोगे, वही आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी लिखोगे. फर्स्ट पॉइंट इज वॉट, फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इट इज, फर्स्टली इट इज वेरी, इट नीड्स लेस एनर्जी. ठीक है, कंज्यूम्स लेस एनर्जी. ठीक है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड. ओके, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड. एंड ऑल्सो इसमें यू कैन ट्रांसपोर्ट हैवी एंड बल्की गुड्स, हैवी एंड बल्की गुड्स. ठीक है, ये दोनों पॉइंट है जो आप इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोडवेज आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यू नीड टू गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई दिस। हमने जस्ट कुछ टाइम पहले किया था, फिर से बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है इन कंपेरिजन टू योर रेलवे एंड नेक्स्ट पॉइंट, या फिर कोई और भी अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो भी इसमें कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा पॉइंट है कि इसमें आपको डोर टू डोर सर्विसेज मिलती है, और इसको आप किसी कितने भी हायर ऑल्टीट्यूड्स में, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी आप रोडवेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और मेनली बहुत सारे जगह होती है, ठीक है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है जो आपको भी नहीं पढ़ना। अब आते हैं गिव रीजंस पे, तो नियरली 70%, यहाँ पे देखो आपको 3 मार्क्स का ही है, तो आपको एक एक पॉइंट सब में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। नियरली 70% ऑफ इंडियंस डू नॉट यूज एयरवेज या फिर एयर ट्रांसपोर्ट। क्यों नहीं यूज करते? बहुत महंगा है, सिंपल सी बात, इट इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिकॉज इन दिस कंडीशन जो रॉ मटेरियल्स हैं वो जल्दी, यानी कि जो हमने पहले किया था फास्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल जल्दी रीच करेगी, ठीक है, रॉ मटेरियल विल बी सप्लाइड स्पीडिली टू द इंडस्ट्री, ठीक है, एंड फाइनली इट बूस्ट अप्स द मार्केट एंड ऑल्सो द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर। वाटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉपुलर एज लैंड ट्रांसपोर्ट, वाई बिकॉज वाटर ट्रांसपोर्ट नीड्स मोर टाइम, इट इज स्लोअर इन कंपेरिजन टू द लैंड ट्रांसपोर्ट, सिंपल द पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, द रेलवे इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू वाटरवेज, टू रीजंस व्हाई, क्यों आप रेलवे को मोर प्रेफर करते हो इन कंपैरिजन टू एयरवे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज एक्सपेंसिव, दैट मीन्स एयरवेज इज मोर एक्सपेंसिव, तो रेलवे इज चीपर, ठीक है, चीपर देन द एयरवे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है, और एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, यहाँ पे आपको दो ही लिखना है, बट मैं आपको याद दिला दे रही हूँ कि आप रेलवे में हेवी और बल्कि गुड्स आसानी से ले जा सकते हो, ठीक है, हो गए आपके 3 पॉइंट, लेकिन आप दुख को दो ही लिखना है। मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट की आपको एक डिसएडवांटेज बतानी है, इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा बताओ। ओके, सो इट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, और भी काफी सारी डिसएडवांटेजेस हैं, यू कैन राइट एनी ऑफ देम। नेक्स्ट 2018 के क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू गिव टू रीजंस व्हाई द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बीइंग कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ ऑल नेशनल इकोनॉमी। आई विल गिव यू 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट की इट कनेक्ट, इट प्रोवाइड्स लिंक, ठीक है, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन सिटीज, स्टेट्स, टाउन्स, ईडीसी, ठीक है, अलग अलग जगहों को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। और नेक्स्ट पॉइंट कि इट हेल्प्स इन सप्लाई रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज को भी काफी हेल्प करता है, तो अगर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल ज्यादा मिलेगा सो द रिजल्ट विल बी मोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू गिव टू वेज इन विच रेल ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, सिंपली यू नीड टू राइट एनी टू एडवांटेजेस। क्या लिखोगे? रेल ट्रांसपोर्ट, इन रेल ट्रांसपोर्ट यू कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, कैरिंग हैवी गुड्स आल्सो, हैवी और बल्कि गुड्स भी आप आसानी से कैरी करके बहुत दूरी तक कवर कर सकते हो। मालगाड़ी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। नेक्स्ट, रेलवे इज चीप, ठीक है, रेलवे इज चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो यू नीड टू राइट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवे, तो इट इज कंपेरेटिवली स्लोअर, ठीक है, ये काफी टाइम लगाता है पहुंचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिसएडवांटेज ऑफ रोडवेज, तो वन डिसएडवांटेज ऑफ रोडवेज इज दैट, क्या होगा बताओ। देखो रोड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपको क्या बताना है, ओके, यहाँ पे आपको एडवांटेज बताना है, वेरी सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपको एडवांटेज बताना है वाटरवेज का भी, तो वाटरवेज का एक एडवांटेज बताओ, इसमें आप हैवी और बल्कि गुड्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और रोडवेज की बात करें तो रोडवेज के कंडीशन में भी इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, ठीक है, एंड इट इज प्रेफरेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। टॉकिंग अबाउट वन डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, सो इट इज स्लोअर और इट नीड्स मोर टाइम इन कंपेरिजन टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 रीजंस बताने हैं क्यों एयरवेज आर बिकमिंग पॉपुलर दीज डेज, ठीक है, आजकल क्यों एयरवेज मोर पॉपुलर हो रही है दिस टाइम, आई मीन आज के जमाने में।
सबसे पहली बात कि इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एयर ट्रांसपोर्ट इज रिगार्डेड एज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दोज एरियाज विच आर नॉट इजिली एक्सेसिबल टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे गाँव और बहुत सारे जगह है जहाँ पे बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे अगर आप एयरवेज काफी जगह प्रिफर की जाती है, ठीक है, जहाँ पे आप रोडवेज नहीं पहुंच सकती या बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे काफी सारे जगह एयरवेज प्रिफर होती है. दो पॉइंट हो गए. अब एक और पॉइंट करनी है, तो एक और पॉइंट बताओ क्या होगा. एयर ट्रांसपोर्ट का एक और आपको यहाँ पे बस एडवांटेज बतानी है. एयर ट्रांसपोर्ट का एक और एडवांटेज क्या होगा, गाइस, इसका एक और पॉइंट होगा, इट इज एन इजी ट्रांसपोर्ट. इट इज एन इजी ट्रांसपोर्ट फॉर लाइट एंड कॉस्टली गुड्स. हल्के और कॉस्टली गुड्स को पहुंचाने में, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने में इट इज मोर प्रेफरेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है. मेंशन टू रीजंस व्हाई मोर पीपल यूज रेलवेज रादर देन एयरवेज. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज cheaper in comparison to the airways, and next point, in this you can carry heavy and bulky goods which is not possible in airway. Why are inland waterways declining in its importance? Give two reasons for your answers. Aapko isme do reasons batani hai. Dekho, first point kya hota hai, it is firstly it is limited to accessible to limited area, theek hai, it cannot be accessed in all the areas. And next point is that इट नीड्स मोर टाइम, इट इज टाइम टेकिंग, ठीक है, टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लग जाता है. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंस इज डिक्लाइनिंग दीज डेज. द पॉइंट हो गया. नाउ लास्ट सेट 2016 का, मेंशन टू एडवांटेजेस एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ वाटरवेज. दो एडवांटेजेस हमने ऑलरेडी बहुत सारी कर ली. एक डिसएडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ कि इन दिस यू नीड मोर टाइम या फिर इट इज मोर टाइम टेकिंग इन कंपेरिजन टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Roadways are always considered more important than any other means of transport. Why? You need to give two advantages. ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस दो ही एडवांटेज लिख के आनी है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज. नेक्स्ट, इट इज चीप फॉर इट इज चीपर इन फॉर शॉर्टर डिस्टेंस. ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इट इज चीपर. दैट मीन्स कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाले जगह से दूसरे जगह जाना है, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करोगे, है ना. वहां पे आप कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेफर नहीं करोगे, तो उस कंडीशन में ये आपको सस्ता पड़ेगा. ठीक है, ऑल राइट. सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर ट्रांसपोर्ट चैप्टर. सो वी आर डन विद दिस. अगेन आई रिपीट, 30 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करो एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंप्लीट असाइनमेंट. Thank you so much. We'll be meeting soon with next chapter's assignment questions. So guys, thank you so much. We'll be meeting soon. All the best for your examination.